आर्यन खान से जुड़े ड्रग्स केस की जांच कर रहे समीर वानखेड़े पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। अब उनके खिलाफ एनसीबी ने जांच शुरू कर दी है। मुंबई में ड्रग्स केस की जांच से चर्चा में आए एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। अब उनके खिलाफ विजिलेंस विभाग की जांच भी शुरू हो गई है। समीर वानखेड़े अपने पद पर बने रहेंगे या नहीं, अब इस पर भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा कि संदीप वानखेड़े पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की विजिलेंस जांच कर रही है। क्या समीर पद पर बने रहेंगे, इस सवाल पर ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा कि वो पद पर बने रहेंगे या नहीं, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। बता दें, इस बीच समीर वानखेड़े भी कल मंगलवार को दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली स्थित एनसीबी हेडक्वार्टर में उनको लेकर चर्चा भी हो रही है। एनसीबी में उनको लेकर आंतरिक जांच भी हो रही है। ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि जारी जांच को वो सुपरवाइज कर रहे हैं। ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा कि वो पद पर बने रहेंगे या नहीं, इस पर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी क्योंकि जांच अभी शुरू हुई है। बता दें, एनसीबी पर लगे आरोपों पर डीजी एनसीबी को मुंबई एनसीबी के अधिकारियों ने मेल के जरिए एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में समीर वानखेड़े किसी रिव्यू मीटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। इस बीच डीजी सत्यनारायण प्रधान समीर वानखेड़े से एनसीबी पर लगे आरोपों पर भी बात करेंगे। रविवार को समीर वानखेड़े पर आरोप लगने के बाद अब एनसीबी ने सेशन कोर्ट में नया हलफनामा दायर किया है। इसमें समीर की तरफ से कहा गया है कि उनको केस की शुरुआत से टारगेट किया जा रहा है। समीर ने कोर्ट में कहा कि मेरे परिवार, मेरी मृतक मां, पिता को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जांच को प्रभावित किया जा रहा है, उनकी इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। क्रूज पार्टी से जुड़े ड्रग्स केस के दौरान जो छापा पड़ा था उसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को भी एनसीबी ने पकड़ा था। उसे महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने फर्जी बताया था। इसके बाद मामले के स्वतंत्र गवाह प्रभाकर ने मामला भ्रष्टाचार का बताया था। इसमें उन्होंने 25 करोड़ की डील की बात कही थी। प्रभाकर ने कहा कि एनसीबी ऑफिस में उससे कोरे कागज पर साइन करवाए गए थे। इसके बाद अब नवाब मलिक ने यह भी दावा किया है कि समीर वानखेड़े मुस्लिम है। उन्होंने फर्जी जाति सर्टिफिकेट बनवाकर IRS में नौकरी पाई है।